जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम गुरु का राशि परिवर्तन कार्यक्रम में। मैं पंडित बीएन शास्त्री और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कैसा रहने वाला है गुरु का 12 राशियों पर राशि परिवर्तन, गुरु जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वो राशि परिवर्तन किस प्रकार से आप सभी लोगों की कुंडली में आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा गुरु के बारे में जानते हैं। देखिए, गुरु जो होता है, गुरु देवों के देव होते हैं, गुरुदेव देवों के देव हैं। और गुरु जो कारक ग्रह होते हैं, गुरु अगर अच्छे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपकी अच्छी करते हैं और अगर खराब हैं तो क्या क्या चीज़ें खराब करते हैं। गुरु देखिए कारक हैं वो हैं सुख सुविधाओं के, मान सम्मान के, पति पत्नी के, शिक्षा के और व्यवसाय के कारक ग्रह। गुरु अगर प्रबल अवस्था में, ऊंच अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान है, एक अच्छे घर में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में, आपके जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव बढ़ा देते हैं। इन चीज़ों में सुख सुविधाओं में, व्यवसाय में, नौकरी में, पति पत्नी प्रेम संबंधों में उदारता लाते हैं, उनके प्रभाव अच्छे देखने को मिलते हैं। और गुरु अगर खराब हैं या नीच की स्थिति में है तो उसमें आपकी कुंडली पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, सुख सुविधाओं में कमी, पति पत्नी में वाद विवाद, डिवोर्स या शादीशुदा जिंदगी खराब करना, या आपके प्रेम संबंधों को खराब करना, व्यवसाय में इनकम ना होना, व्यवसाय अच्छा ना चलना, इन चीज़ों में हानि देते हैं। और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का, वो गुरु का परिवर्तन मकर राशि में होने जा रहा है। धनु से मकर राशि में गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं 20 नवंबर 2020 से, जहाँ से गुरु मकर राशि में 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु जो ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये 12 साल बाद गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी 12 साल बाद गुरु का मकर राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर गुरु 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मकर राशि पृथ्वी तत्व की मूलभूत नकारात्मक राशि है और जिसके स्वामी शनि होते हैं, जहाँ पे गुरु 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं, उसके बाद कुंभ में प्रवेश करेंगे। देखिए, ज्योतिष के अनुसार गुरु कर्क राशि में ऊंच और मकर राशि में नीच के होते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ गुरु को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 साल 9 महीने का समय लगता है, जबकि एक राशि की परिक्रमा करने में, भ्रमण करने में गुरु को 13 महीने का समय लगता है। तो ये चीज़ें हैं जो गुरु के बारे में आपको जाननी चाहिए। और देखिए, मैं गुरु का एक आपको छोटी सी कहानी भी बता देता हूँ जो आपको याद रहे। जिस प्रकार आपके घर में आपका एक परिवार है, 5-6 लोगों का, सदस्यों का परिवार है, उसमें जो आपके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वो आपके पिताजी करते हैं, और उनके आधार पर, उनकी की गई मेहनत के आधार पर आपका पूरे घर में, पूरे घर का खर्चा, पूरे घर की स्थिति उसी पर निर्धारित करती है कि उनकी इनकम कैसी है। उसी प्रकार हमारी पूरी लगन कुंडली या पूरी चंद्र कुंडली या पूरा हमारा जीवन हमारे गुरु पर बेस होता है। अगर गुरु आप लोगों का अच्छा है, उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी डिग्री मजबूत है, उसके वो ऊंच के हैं, तो वो बहुत सारी सुविधाएं आपको देते हैं, बहुत सारी मजबूत स्थिति आपकी कुंडली में उत्पन्न करते हैं। और जिस प्रकार आपके परिवार में आपके पिता की जो कि कार्य रहते हैं, उनकी स्थिति अगर खराब है, उनकी तबीयत खराब है, वो इनकम अच्छी नहीं कर पा रहे, तो उस स्थिति में आपके परिवार की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो उसी प्रकार अगर गुरु आपके नीच के हैं, डिग्री कमजोर पर हैं, आपके अस्त हैं, तो उस स्थिति में आपके जीवन में भी भूचाल ला सकते हैं, जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना में गुरु का समय अच्छा नहीं था, गुरु धनु राशि में थे, तो उस समय कोरोना में गुरु ने काफ़ी चीज़ें आपसे छीनी हैं, जैसे शिक्षा में रुकावटें दी हैं, इनकम में रुकावटें दी हैं, पर 20 नवंबर के बाद से ये सारी चीज़ें ही उल्टी होने जा रही हैं। यानी 20 नवंबर के बाद से मैं ये गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ कि आप लोगों के जीवन में गुरु जिनके स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, वो मैं आपको बताऊँगा किस किस राशियों में हैं, उन लोगों के जीवन में एक अद्भुत समय देखने को मिलेगा, एक अद्भुत स्थिति उनको देखने को मिलेगी, शिक्षा में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, व्यवसाय अच्छे चलने लगेंगे। यानी 20 नवंबर के बाद से गुरु की स्थिति की वजह से 12 राशियों में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होने जा रही हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ दोनों ही तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि 12 की 12 राशियों में गुरु ऊंच के नहीं होते, कुछ में स्थिति उनकी मजबूत होती है, कुछ में स्थिति उनकी
कमजोर होती है। तो ये गुरु का राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए तो बात करते हैं 12 राशियों में तीसरी राशि मिथुन राशि में गुरु का मकर राशि में परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्या औसतन रहने वाला है या अनुकूल या लाभदायक रहने वाला है, उसकी संपूर्ण जानकारी पे बात करते हैं। तो मिथुन राशि या लग्न कुंडली के 8वें भाव में ये राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो 8वां भाव होता है वो मृत्यु घर हम उसको कहते हैं, वो अच्छा घर नहीं होता है। तो उसमें गुरु परिवर्तन करेंगे, गुरु का राशिफल परिवर्तन होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप लोगों की कुंडली में। और उससे पहले मैं बताऊंगा कि गुरु की जो दृष्टि होती है, जैसे सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है, सातवें भाव में देखते हैं लग्न कुंडली से, गुरु जो देखते हैं वो लग्न कुंडली से तीन दृष्टि में देखते हैं, यानी आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में और भाग्य स्थान यानी नाइन्थ हाउस में देखते हैं। गुरु की तीन दृष्टियाँ होती हैं। तो अगर आपके मिथुन कुंडली में, मिथुन राशि वालों में गुरु का जो 8वें भाव में राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 12वें भाव में पड़ रही है, एक दूसरे भाव में पड़ रही है और एक चौथे भाव में पड़ रही है, यानी 12वां भाव व्यय का घर, दूसरा भाव लाभ का घर, चौथा भाव आपका सुख सुविधाओं का घर पे पड़ रही है। तो इस पे जो दृष्टि पड़ रही है उससे क्या क्या मिथुन राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और उससे पहले एक आपसे विनती करूंगा कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक जानकारी समय अनुसार आपको मिलती रहे। चलिए तो बात करते हैं मिथुन राशि के, मिथुन राशि में गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में। देखिए जो गुरु का मिथुन राशि में परिवर्तन हो रहा है उससे जो पहली दृष्टि उनकी पड़ रही है वो 12वें भाव में पड़ रही है, यानी कि उनकी जो प्रथम दृष्टि होती है जो देख रहे हैं गुरु वो 12वें भाव को देख रहे हैं मिथुन राशि में, यानी वह के घर को। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो समय रहने वाला है 20 नवंबर से 6 अप्रैल ये अनुकूल स्थिति रहने वाला है, 50-50 मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। खर्चे आपके अधिक कराएगा, खर्चे व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम तो होगी पर व्यर्थ के खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपका विदेश से कोई कार्य चलता है, विदेश के साथ आपका कोई लेन देन है, विदेश में आप जाना चाहते हैं तो आपको जाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा गुरु, जाने के लिए आपके संभवतः आपके लिए योग भी उत्पन्न करेंगे गुरु। पर इसके साथ साथ आपके अगर मैं, क्योंकि उसकी जो गुरु जो देख रहे हैं आपके 8th हाउस से, वो दूसरे घर पे जो देख रहे हैं वो 2nd हाउस पे देख रहे हैं, जो उनकी दूसरी दृष्टि पड़ रही है, यानी दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे, यानी पद प्रमोशन में आपके उन्नति करेंगे गुरु, पद प्रमोशन अच्छा करने वाले हैं, व्यवसाय में भी अच्छा रहेगा, इनकम आपकी अच्छी होगी, मैंने आपको शुरू में कहा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी पर खर्चे भी आपके अधिक होने वाले हैं, कोई रुके हुए काम है आपके, फंसे हुए काम है, काफ़ी समय से अटकने आ रही हैं नहीं हो पा रहे, तो इस गुरु के राशि परिवर्तन में आपके रुके हुए काम भी संपूर्ण हो जाएंगे। वाहन खरीदना चाहते हैं तो 20 अप्रैल के बाद आप बिल्कुल खरीदिए, योग आपके बन रहे हैं 20 अप्रैल के बाद वाहन खरीदने के, या कोई संपत्ति खरीदने के भी आपके योग मिथुन राशि वालों के बन रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन में। वैवाहिक सुख आपका अच्छा रहने वाला है, वैवाहिक सुख मधुर रहने वाला है, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। और अगर आप अविवाहिक हैं, विवाह के लिए सोच रहे हैं तो इस राशि परिवर्तन में आपके विवाह के भी संभवतः योग बन रहे हैं, आपके पूर्ण योग आपके बनेंगे और विवाह भी हो सकता है आपका, यानी ऐसा है आपका मान लीजिए शादी पक्की हो गई तो आप अगर चाहें तो अप्रैल से पहले आप शादी भी कर सकते हैं, अन्यथा पक्की तो जरूर हो जाएगी आपकी, तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। अगर स्वास्थ्य पर थोड़ी तकलीफ जरूर देखने को मिलेगी, पुरानी कोई बीमारी आपको वापस आ सकती है, पुरानी कोई समस्या, स्वास्थ्य समस्या आपको वापस आ सकती है जिससे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, जीवन में तनाव का माहौल पैदा हो सकता है, नई कोई बीमारी भी आपको हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी भी आपको रह सकती है। तो ये गुरु के राशि परिवर्तन में मिथुन राशि वालों के लिए संपूर्ण जानकारी है जो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो शिव सहस्त्र पाठ आप जरूर करें, गुरुवार के दिन शिव सहस्त्र का आप पाठ जरूर करें, 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप जितना भी बार कर सकते हैं धीरे धीरे उस पाठ को आप बढ़ाइएगा डेली पे, यानी आप दिन में अगर 2 बार कर रहे हैं अगले दिन 3 बार कोशिश करें, 4 बार करें और संभव हो तो 108 बार जरूर करें, 6 अप्रैल 2021 तक आपको ये जरूर करना है। तो मिथुन राशि वालों के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई राशि में कर्क राशि के साथ, गुरु के राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है एक नई वीडियो में। जय माता दी मित्र।